कल हमने क्या किया था, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, जैसे कि ग्रेविटेशन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, ये सब किया था. आज हम लोग करेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स. ओके, अब इसका क्या मतलब है? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते, ग्राफ के थ्रू इसको एनालाइज करने का ट्राई करते. ठीक है, अगर सपोज यहाँ पे लेट्स से आपका जो फोर्स है, ये साइड हम लोग क्या बनाते हैं, फोर्स बनाते, और इस तरफ हम लोग क्या बनाते हैं, डिस्प्लेसमेंट बनाते. लेट्स से हम लोग का फोर्स क्या रहता, कांस्टेंट रहता. अगर आपका फोर्स कांस्टेंट रहता तो जो ग्राफ आता ये कैसे आता, एक स्ट्रेट लाइन आता. अब सपोज आपका फोर्स कांस्टेंट नहीं है, मतलब क्या वेरिएबल है, वेरिएबल रहेगा, इसका मतलब क्या रहेगा, ये कुछ ऐसे आएगा. अब यहाँ पे हम लोग क्या करना है, टोटल वर्क डन फाइंड आउट करना है. तो हम लोग वर्क डन के लिए क्या करेंगे, कोई दो डिस्प्लेसमेंट्स उठाएंगे. लेट्स से ये हम लोग का रहेगा डिस्प्लेसमेंट एक्स वन, ये रहेगा हम लोग का डिस्प्लेसमेंट एक्स टू. अब ये जो एरिया है ये हम लोग का क्या रहेगा, वर्क डन रहेगा. ओके, अब जब भी आपको वेरिएबल का कंसेप्ट आता है, सबसे पहले चीज हम लोग क्या करेंगे, एक स्मॉल वर्क डन कंसिडर करेंगे, इक्वल टू क्या रहेगा यहाँ पे, एफ इंटू यहाँ पे क्या रहेगा, डीएक्स. डीएक्स मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, कौन से डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में. यहाँ पे हम लोग कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखेंगे, इनिशियल और यहाँ पे क्या आएगा, फाइनल आएगा. ओके, अब हमें इंटीग्रेट करना है, तो अगर इस तरफ इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, टोटल वर्क डन W मिलेगा. इसको आप सिंपली क्या लिख सकते हो, इसको आप सिंपली लिख सकते हो एरिया अंडर F डैश X को. कंसेप्चुअली बहुत सिंपल है, जब हम लोग एक सम करेंगे तभी आपको आइडिया रहेगा कि ये कैसा एग्जैक्टली करते करके. तो इस तक ध्यान देना, यहां तक ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करोगे. तो सबसे पहले हमें क्या दिया, यहाँ पे एक टेबल दिया है. तो लेट से ये चेन कुछ तो ये लेंथ पे है, कुछ तो इतना लेंथ इसका इसके ऊपर है, और बाकी का जो लेंथ है ये क्या है, नीचे है. तो जरा सोचने का ट्राई करो, हम लोगों को ये लेंथ पता नहीं है कितना ये टेबल के ऊपर है, तो मैं इसको क्या लूंगा, इसको मैं लूंगा एक्स. अगर ये एक्स रहेगा तो ये जो नीचे वाला लेंथ है ये क्या रहेगा, इट विल बी एल माइनस एक्स. अब मैंने इसका कंसेप्ट आपको पहले भी समझाया था कि हम लोग ऐसे टाइप के सम्स को कैसे सॉल्व करते हैं. तो ध्यान दो, अगर आपका मास एम है, सॉरी ऐसा मत करो, अगर आपका लेंथ एल है तो मास क्या रहेगा, एम रहेगा. अब मैं क्या करता हूं, ये एल को दूसरे साइड लेके जाता हूं, तो यहां पे क्या रहेगा वन, ये इक्वल टू क्या रहेगा, एम अपॉन एल रहेगा. तो अगर सपोज यहां पे लेंथ क्या है एक्स, तो अगर मैंने क्या किया, ये वन को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये तो क्या होएगा, वन एक्स होएगा. सेम वे आपका मास क्या होएगा, एम बाय एल इंटू क्या होएगा, एक्स. सेम चीज अगर आपने ये वन को एल माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या होएगा, वन इंटू एल माइनस एक्स होएगा. यहाँ पे क्या होएगा, एम बाय एल जो है ये किससे मल्टीप्लाई होएगा, ये मल्टीप्लाई होएगा एल माइनस एक्स के साथ. सेम वे अगर एल लेंथ का जो फोर्स है एम जी है, तो वन यूनिट का फोर्स क्या रहेगा, एम बाय एल जी रहेगा. एक्स यूनिट्स का फोर्स क्या रहेगा, एम बाय एल एक्स जी रहेगा. एल माइनस एक्स यूनिट्स का फोर्स क्या रहेगा, एम बाय एल एल माइनस एक्स इंटू क्या रहेगा जी. ये पार्ट में किसी को डाउट है तो पहले पूछ लो. अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे वेरिएबल फोर्स है, क्योंकि ये चेन को हम लोग स्लोली स्लोली ऊपर लेके जा रहे, तो फोर्स क्या हो गया, वेरिएबल फोर्स हो गया. तो वेरिएबल फोर्स के लिए हम लोग क्या कंसिडर करते, एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करते एक्स डिरेक्शन में. तो जो भी वर्क डन रहेगा ये हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे ऐसे छोटे छोटे वर्क के. तो यहाँ पे ये छोटा वर्क जो है ये क्या रहेगा, इट विल बी फोर्स इंटू यहाँ पे क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा.
तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, डीएक्स आएगा, क्योंकि हमने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डीएक्स लिया है। अब ये जो रीजन, ठीक है, मैं ये एक्स रीजन का बात कर रहा हूं, इसका मास कहां पे एक्ट कर रहा है, इसका जो भी वेट है क्या रहेगा, एम बाई एल इंटू क्या आएगा, एक्स जी। ये किधर एक्ट करेगा, नीचे एक्ट करेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, एग्जैक्टली इसका परपेंडिकुलर है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर परपेंडिकुलर रहेगा तो ये जो कंपोनेंट है उसका वर्क डन क्या रहेगा, जीरो रहेगा। आई होप ये समझ में आ रहा रहेगा। देखो मैं क्या किया, एक्स लेंथ का वेट बता रहा हूं, एक्स लेंथ का वेट क्या रहेगा, एम बाई एल इंटू क्या रहेगा, एक्स इंटू जी। ये कहां पे एक्ट करेगा, वेट हमेशा नीचे एक्ट करता है। डिस्प्लेसमेंट कहां पे हो रहा है, लेफ्ट की तरफ हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, डीएक्स है। चलो ये चीज भी फिक्स्ड है, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में जो एंगल है ये कितना है, 90 डिग्री। तो जो वर्क डन रहेगा बिकॉज ऑफ एक्स वो क्या रहेगा, जीरो। अब चलो एल माइनस एक्स के लिए करते, एल माइनस एक्स के लिए जो वर्क डन रहेगा वो क्या रहेगा, नीचे के तरफ रहेगा, मतलब जो फोर्स रहेगा, तो ये क्या रहेगा, एम बाई एल, यहां पे क्या आएगा, एल माइनस एक्स इंटू क्या आएगा, जी आएगा। ओके अब जरा समझने का ट्राई करो, अगर ये लेफ्ट की तरफ डीएक्स से डिस्प्लेस हुआ, इसका मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट कहां पे होएगा, डीएक्स ऊपर की तरफ होएगा। आई होप ये भी पार्ट आपको क्लियर हो। तो यहां पे क्या आएगा, एफ के बदले आएगा एम बाई एल इंटू यहां पे क्या आएगा, एल माइनस एक्स आएगा इंटू जी आएगा। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, डीएक्स हो रहा है, dx ऊपर फोर्स नीचे, तो साइन क्या आएगा, यहां पे साइन माइनस आएगा। अब मैं क्या करता हूं, नेक्स्ट इसको जरा ब्रैकेट को जरा मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये क्या होएगा, एम एल इंटू एल माइनस एम एल, सॉरी मेरा गलती हो, यहाँ पे एम एक्स अपॉन एल, और ये पूरे चीज को हमें क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है dx के साथ। अब नेक्स्ट, अब दोनों में कांस्टेंट क्या है, तो अगर आप कांस्टेंट्स को नोटिस करोगे, यहाँ पे एक तो m by l कांस्टेंट है, तो चाहिए तो यही स्टेप से डायरेक्टली आप कर सकते हो, माइनस m by l, ये तो कांस्टेंट हो गया, g ये कांस्टेंट हो गया, यहाँ पे क्या आएगा, l माइनस x इंटू क्या आएगा, dx आएगा। ओके अब इसका इंटीग्रेशन मैं कहां से कहां करूंगा, इनिशियली कितना लेंथ था ऊपर, जीरो, फाइनली कितना लेंथ आएगा ऊपर, एल लेंथ ऊपर आएगा, तो यहां पे मैं इंटीग्रेट कहां से कहां करूंगा, जीरो से लेके एल तक। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट यहां पे क्या होएगा, माइनस एम बाय एल, यहां पे क्या रहेगा, जी। अब नेक्स्ट एल तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का जो इंटीग्रेशन रहता है ये सिर्फ क्या आएगा, एक्स, इसको आप इंटीग्रेट करोगे कहां से कहां, एल से लेके जीरो तक। एक्स का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, एक्स रेस टू एन प्लस वन, मतलब वन प्लस वन कितना होएगा, टू, अपॉन क्या आएगा, यहां पे टू, यहां पे किधर से किधर इंटीग्रेट करोगे, एल से लेके जीरो तक, और यहां पे ब्रैकेट क्लोज करना। ओके यहां पे कितना होएगा, माइनस एम एल बाई जी, ये हो जाएगा एल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे क्या आएगा, एल माइनस जीरो आएगा, माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये क्या आएगा, एल स्क्वायर बाय टू, माइनस क्या आएगा, जीरो बाय टू विच इज जीरो। ओके अब नेक्स्ट, माइनस एम जी बाय एल, एल इंटू एल स्क्वायर होएगा, माइनस यहाँ पे क्या आएगा, एल स्क्वायर बाय टू। इसका डिनोमिनेटर को सेम करने में क्या करूंगा, टू से मल्टीप्लाई और टू से क्या करूंगा, डिवाइड, ये हो जाएगा माइनस एम जी अपॉन एल, टू एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होएगा, एल स्क्वायर बाय टू, यहां से एल और ये स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल, यहां पे आंसर कितना रहेगा, माइनस एम जी एल अपॉन क्या रहेगा, टू, ये रहेगा आपका। कोई पार्ट में डाउट है पूछ सकते हैं। अब इधर हमें एक सरफेस दिया है,
जिसका जो इतना पार्ट है, ये आपको क्या दिया है, यहाँ पे ये रीजन में जो फ्रिक्शन रहेगा ये क्या रहेगा, न्यू। इस तरफ जो रहने वाला है ये क्या रहेगा, स्मूथ रहेगा। अब इसके ऊपर एक चेन है जिसका लेंथ क्या है एल और जिसका मास क्या है एम। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक फोर्स से इसको राइट हैंड साइड में क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू पुल दिस चेन स्लोली टू स्मूथ साइड। ट्राई करो, पहले आप सोचो इसमें कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, पहले ट्राई करो उसमें, फिर मैं आपको सॉल्व करके देता हूं। पहले फोर्सेस क्या है वो सब फ्री बॉडी डायग्राम के थ्रू बना के देखो। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले चीज, थोड़ा सा चेन को हम लोग क्या करेंगे, इस तरफ लेके आएंगे। अगर पूरा लेंथ एल है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये लेंथ को एक्स लेंगे, इधर से इधर तक का जो लेंथ है इसको हम लोग क्या लेंगे, एल माइनस एक्स लेंगे। ये हम लोग का क्या है, टेबल है। ओके, अब हमने जस्ट इसके पहले ही किया था कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते करके, तो सबसे पहले चीज यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट करेंगे, तो ऑफ कोर्स इस तरफ क्या एक्ट करने वाला है, एफ एक्ट करेगा। इसका जो वेट है ऑफ कोर्स इस पे भी वेट नीचे एक्ट करेगा, इसका भी वेट नीचे एक्ट करेगा, वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। एक और एक फोर्स है, यहाँ पे न्यू का वैल्यू दिया, मतलब रफ सरफेस है, मोशन आगे के तरफ हो रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगने वाला है। ओके, अब ध्यान दो, अब हम लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअली एक एक का वेट निकालना। तो वेट निकालने के लिए मैंने बताया था, अगर आपका मास एम है, सॉरी मेरा गलती हुआ, यहाँ पे अगर आपका लेंथ एल है तो मास कितना आएगा, एम आएगा। हम लोग क्या करते, एल को दूसरी साइड लेके जाएंगे, तो यहाँ पे वन बचेगा, इधर आएगा एम बाई एल। हम लोग क्या करेंगे, वन को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एम एल को एक्स से मल्टीप्लाई करने जैसा हो गया। हम लोग क्या करेंगे, वन को एल माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, एम बाई एल इंटू क्या होएगा, एल माइनस एक्स होगा। सेम वे एल लेंथ का वेट कितना रहेगा, एम जी, इसका वेट ये रहेगा, तो सिर्फ जी के साथ मल्टीप्लाई। ओके, अब ध्यान देना, इसका वेट क्या रहेगा, एम एक्स जी अपॉन एल। डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे हो रहा है, इस तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो इसकी वजह से जो भी वर्क डन रहेगा वो तो जीरो रहेगा। चलो, इसका भी जो भी वेट है वो तो पता नीचे कैलकुलेट किया है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, परपेंडिकुलर, तो दोनों के बीच में जो भी एंगल रहेगा वो 90 डिग्री हो गया, तो वर्क डन इसमें भी क्या रहेगा, जीरो। तो वर्क डन में कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है, एक ये एफ कर रहा है, दूसरा ये एफ के कर रहा है। अब ये जो एफ रहना चाहिए ये क्या रहना चाहिए, एफ के से क्या रहना चाहिए, ज्यादा रहना चाहिए, ठीक है, तब जाके आपका चेन क्या होएगा, आगे जाएगा। तो हम लोग क्या करते, सबसे पहले एफ के ढूंढ के निकालते, तो ये एफ के का फॉर्मूला आपको पता है, ये क्या रहेगा, न्यू इंटू एन रहेगा। अब जरा ध्यान दो, एन आप कौन से पार्ट के लिए अप्लाई करोगे, ऑफ कोर्स नॉर्मल रिएक्शन क्या रहेगा, फ्रिक्शनल सरफेस इन कॉन्टैक्ट जितना रहेगा, तो फ्रिक्शनल सरफेस इन कॉन्टैक्ट तो सिर्फ ये रेड कलर का एरिया रहेगा, तो फ्रिक्शन सरफेस इन कॉन्टैक्ट के लिए जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वो सिर्फ वो रेड पोर्शन के लिए लगेगा। ओके, इसका मतलब क्या रहेगा, एन जो रहेगा, एन ऊपर एक्ट कर रहा है, नीचे कौन सा वेट एक्ट कर रहा है, नीचे एक्ट कर रहा है एम एल, एल माइनस एक्स इंटू जी एक्ट कर रहा है। वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सलरेशन नहीं है, तो ये इक्वल टू जीरो रहेगा, तो एन का वैल्यू क्या रहेगा, इट विल बी एम एल, एल माइनस एक्स इंटू यहाँ पे क्या आएगा, जी आएगा, तो यहाँ पे आएगा न्यू। एन के बदले आप सब्स्टिट्यूट करोगे एम बाई एल, यहाँ पे आएगा एल माइनस एक्स इंटू यहाँ पे क्या आएगा, जी। ओके,
अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट स्टेप तो एज यूजुअल सेम है, हम लोग इसको डिस्प्लेस करेंगे कहाँ पे, एक्स डायरेक्शन राइट में डिस्प्लेस करेंगे. ओके तो हम लोग का जो वर्क डन रहेगा, तो यहाँ पे वर्क डन ये क्या रहेगा, वेरिएबल फोर्स की वजह से है, तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे, स्मॉल वर्क को इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पे आएगा एफ डॉट डी एक्स. ओके एफ क्या है हमारा, तो यहाँ पे आएगा एफ के बदले न्यू इंटू एम अपॉन एल, और यहाँ पे जी आएगा, ब्रैकेट के अंदर आएगा एल माइनस एक्स. स्टार्टिंग में कितना लेंथ था, स्मूथ सरफेस में जीरो लेंथ था, एंड में क्या होएगा, पूरा लेंथ स्मूथ सरफेस में आएगा. तो स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक हम लोग क्या करेंगे, लिमिट्स अप्लाई करेंगे. अब इसमें कॉन्स्टेंट क्या क्या है, एक न्यू एम जी कॉन्स्टेंट है और एक एल कॉन्स्टेंट है. यहाँ पे इंटीग्रेशन में आएगा एल माइनस एक्स, और यहाँ पे एक डी एक्स भी रहेगा जीरो से लेके कहा तक, एल तक. नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, न्यू एम जी ये तो कॉन्स्टेंट है तो इसको रहने दो. इंटीग्रेशन ऑफ एल, कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन जो रहता है ये कितना आता है, एक्स आता है. यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई करोगे. नेक्स्ट एक्स का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, इट इज एक्स रेज टू एन प्लस वन, तो वन प्लस वन तो टू होएगा, अपॉन एन प्लस वन, तो यहाँ पे भी टू आएगा. ये भी कहाँ से कहाँ रहेगा, एल से लेके जीरो तक. नेक्स्ट यहाँ पे आएगा न्यू एम जी बाई एल, ये कितना रहेगा एल. यहाँ पे आप अप्लाई करोगे एक्स के बदले एल सब्स्टिट्यूट करोगे, तो ये कितना आएगा, एल माइनस जीरो आएगा. यहाँ पे आप क्या करोगे, एल के मतलब एक्स के बदले सब्स्टिट्यूट करोगे एल स्क्वायर बाई टू, माइनस यहाँ पे क्या आएगा, जीरो आएगा. ओके अब नेक्स्ट ये हो जाएगा न्यू एम जी बाई एल, ये बन जाएगा एल स्क्वायर, माइनस होएगा एल स्क्वायर बाई टू. इसका डिनोमिनेटर सेम करने को मैं क्या करूंगा, टू से मल्टीप्लाई और टू से क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा, तो यहाँ पे बन जाएगा टू एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई टू बन जाएगा, और यहाँ पे रहेगा न्यू एम जी बाई एल. ओके इसको जरा मल्टीप्लाई करना, तो ये होएगा न्यू एम जी बाई एल, टू एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होएगा एल स्क्वायर अपॉन टू, एल और ये स्क्वायर कैंसिल, इक्वल टू कितना होएगा, न्यू एम जी एल अपॉन कितना आएगा टू, ये रहेगा आपका वर्क डन. तो यहां पे नेक्स्ट टॉपिक लिखना, वर्क डन इन एक्स वाई जेड, तो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड एक्सिस. तो हमने पहले एक्स एक्सिस के रिलेटेड पढ़ा था, अब हम लोग क्या करेंगे, वाई एक्सिस मतलब सारे एक्सिस में कैसे वर्क डन रिलेटेड हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. तो बहुत ही सिंपल है, जो वर्क डन रहेगा हम लोग क्या करेंगे, इसको स्मॉल वर्क डन का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे. तो ये इक्वल टू क्या रहेगा, इट विल बी यहाँ पे फाइनल माइनस क्या आएगा, इनिशियल जो भी पॉइंट है. यहाँ पे क्या रहने वाला है, एफ, यहाँ पे क्या रहेगा, डी एस. अब ये जो एफ है ये क्या रहेगा, तीनों के एक्सिस में रहेगा, क्योंकि हम लोग एक्स वाई जेड तीनों कंसिडर कर रहे हैं. तो यहाँ पे क्या रहेगा, इट विल बी एफ एक्स, यहाँ पे रहेगा आई कैप, एफ वाई यहाँ पे रहेगा जे कैप. आई कैप मतलब कौन से एक्सिस में रहेगा, एक्स एक्सिस, एफ वाई मतलब फोर्स एक्टिंग इन वाई एक्सिस, और यहाँ पे एफ जेड, एफ जेड का मतलब क्या है, फोर्स एक्टिंग इन जेड एक्सिस, तो यहाँ पे क्या आएगा, के कैप. ब्रैकेट क्लोज किया. सेम डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, डी एक्स इंटू यहाँ पे क्या आएगा, आई कैप, प्लस डी वाई इंटू यहाँ पे क्या आएगा, जे कैप, प्लस आएगा डी जेड यहाँ पे क्या आएगा, के कैप. ये हो गया. अब इसको मैं इंटीग्रेशन करूंगा कहाँ से कहाँ, आई से लेके एफ तक. अब आपको पता है डॉट प्रोडक्ट में सिर्फ i का टर्म i के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, एफ एक्स डी एक्स आएगा. i इंटू आई क्या होता है, वन होता है. इधर आएगा एफ वाई
डी वाई, यहां पे रहेगा एफ जेड डी जेड, इधर आएगा एक्स का इनिशियल कोऑर्डिनेट, एक्स का फाइनल कोऑर्डिनेट, यहां पे आएगा वाई का इनिशियल कोऑर्डिनेट, वाई का फाइनल कोऑर्डिनेट, यहां पे आएगा जेड का इनिशियल कोऑर्डिनेट और जेड का फाइनल कोऑर्डिनेट, ये रहेगा आपका फॉर्मूला। ठीक, सम भी करते इससे रिलेटेड। यहाँ पे हमें वर्क डन चाहिए इन ऑल द थ्री एक्सिस, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एफ एक्स इंटू डी एक्स, फिर नेक्स्ट आएगा यहाँ पे एफ वाई इंटू डी वाई, नेक्स्ट आएगा एफ जेड इंटू डी जेड। चलो इसका इंटीग्रेशन, यहाँ पे एक्स का कोऑर्डिनेट्स कहाँ से कहाँ रहने वाला है, वन से लेके टू, यहाँ पे वाई का कोऑर्डिनेट्स कहाँ से कहाँ रहने वाला है, टू से लेके थ्री, यहाँ पे जेड का कोऑर्डिनेट्स कहाँ से कहाँ रहने वाला है, थ्री से लेके फोर तक, सबके बीच में साइन क्या आएगा, प्लस साइन आएगा। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट हमें क्या ढूंढना है, डिस्प्लेसमेंट ढूंढना है। तो ध्यान दो कैसे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, बहुत सिंपल है, हम लोग को पता है आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे आएगा टू एक्स इंटू क्या आएगा डी एक्स, वन से लेके टू तक, प्लस यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा, सॉरी मेरा गलती है, इधर प्लस इंटू माइनस माइनस होएगा, इधर आएगा थ्री वाई स्क्वायर, इधर आएगा डी वाई, फिर जेड कंपोनेंट क्या है फोर्स का, इट इज प्लस साइन है, यहाँ पे क्या आएगा फोर जेड क्यूब, यहाँ पे ये रहेगा डी जेड। ओके, वाई का कोऑर्डिनेट टू से लेके किधर तक है, थ्री तक, यहाँ पे थ्री से लेके किधर तक है, फोर तक, टू कॉन्स्टेंट है, एक्स का डेरिवेटिव क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन टू रहेगा, और इसको कहां से कहां इंटीग्रेट करने वाले हो, वन से लेके टू तक। नेक्स्ट थ्री कॉन्स्टेंट है, वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, वाई क्यूब बाई थ्री रहेगा, इसको कहां से कहां इंटीग्रेट करोगे, थ्री से, सॉरी टू से थ्री तक। नेक्स्ट फोर कॉन्स्टेंट है, जेड क्यूब का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, जेड रेज टू फोर अपॉन क्या रहेगा, फोर, इसको कहां से कहां हमें अप्लाई करना है, थ्री से लेके फोर तक, फोर और ये फोर कैंसिल, थ्री और ये थ्री कैंसिल, टू और ये टू कैंसिल। अब यहाँ पे क्या आएगा, वन का स्क्वायर, तो वन का स्क्वायर कितना होएगा, वन, ओ सॉरी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है, तो फोर, टू का स्क्वायर कितना है फोर, वन का स्क्वायर कितना है वन, माइनस थ्री का क्यूब कितना है ट्वेंटी सेवन, टू का क्यूब कितना है एट, प्लस फोर रेज टू फोर, तो फोर रेज टू फोर कितना आएगा टू फिफ्टी सिक्स, थ्री रेज टू फोर कितना आएगा एटी वन, इसको जरा कैलकुलेट करना, ये आपका आंसर रहेगा किसमें, जूल्स में। इसको लिखना वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन व्हेन, यहां पे लिख सकते हो डायरेक्शन इज चेंजिंग, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये हमने ऑलरेडी पहले भी एक बार किया है, तो ध्यान देना। लेट से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक टेबल को ऊपर से देख रहे हैं, मतलब टॉप व्यू है। ओके, अब यहां पे ये टेबल के ऊपर हमने एक ब्लॉक रखा है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, स्लाइड करके कहां पे लेके जा रहे, इधर लेके जा रहे, लेकिन इसको कैसे हम लोग लेके गए, घुमा के लेके गए इस तरफ, ध्यान देना। लेट से ये पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कहां पे, इस तरफ, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इस तरफ है, फ्रिक्शन फोर्स कहां पे अप्लाई होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होगा पीछे। लेट से ये पॉइंट में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कहां पे, इस तरफ, फ्रिक्शन फोर्स कहां पे अप्लाई होगा, एग्जैक्टली पीछे के तरफ। यहां पे भी आप वही देखोगे, इधर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कहां पे, इस तरफ है, फ्रिक्शन फोर्स कहां पे लगेगा, पीछे के तरफ। तो आप क्या नोटिस कर रहे हो, एक चीज तो ये कंफर्म है, तो ये जो टोटल वर्क रहेगा, ये सारे सारे छोटे वर्क का इंटीग्रेशन रहने वाला है। ओके, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग सेम वही चीज जो पहले किया, स्मॉल वर्क को क्या करेंगे, यहां पे इंटीग्रेट करेंगे, तो यहां पे ये आएगा एफ डॉट डी एस। अब आप हर एक जगह पे नोटिस करोगे
डिस्प्लेसमेंट अगर आगे है तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे, पीछे के तरफ है, ये हमेशा हो रहा है, तो यहाँ पे साइन क्या रहेगा, माइनस रहेगा। ओके अब फ्रिक्शन फोर्स का तो फॉर्मूला आपको पता है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ एफ के लिख रहा हूं। अब चेंज कौन हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हर जगह पे चेंज हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट किसको करेंगे, डीएस को इंटीग्रेट करेंगे। ओके डीएस को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो डीएस को इंटीग्रेट करोगे तो इनिशियल से लेके फाइनल पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको डायरेक्टली कैसे लिखोगे, माइनस एफ के इंटू यहाँ पे क्या आएगा एस, तो ये रहेगा वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन व्हेन डायरेक्शन इज चेंजिंग। यहाँ पे आप एस को डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले चीज यहाँ पे अगर आप हर डायरेक्शन में नोटिस करोगे, अगर आपका डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा पीछे, अगर सपोज यहाँ पे है, अगर आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है पीछे। फ्रिक्शन फोर्स का तो डायरेक्शन फिक्स्ड है कि वो किस पे लगेगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन पे डिपेंड करेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या हो रहा है, हर एक सेकेंड में क्या हो रहा है, हर एक मोमेंट में चेंज होते जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट हर एक मोमेंट पे चेंज होएगा, तो हम लोग जो वर्क डन का फॉर्मूला यूज करेंगे दैट विल बी माइनस एफ के इंटू एल आएगा। अभी लेंथ ऑफ पाथ यहाँ पे क्या है, ऑफ कोर्स यहाँ पे ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन का जो पाथ है ये ऑफ कोर्स क्या रहेगा, सर्कमफ्रेंस और सर्कल का फॉर्मूला रहेगा, तो यहाँ पे एल के बदले आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, टू पाई आर सब्स्टिट्यूट करोगे। अभी एफ के कितना आएगा, अब एफ के का फॉर्मूला आपको पता है, इट इज व्हाट, न्यू के इंटू यहाँ पे क्या आएगा एन। ओके इसको थोड़ा आगे सॉल्व करते, अब न्यू के ये तो कॉन्स्टेंट है, एन का वैल्यू किसके बराबर रहेगा, अगर आप इसको देखो ये हम लोग का टेबल है, ये सपोज आपका मास है, नॉर्मल रिएक्शन कहाँ पे रहेगा, ऊपर, इसका जो वेट एक्ट करेगा कहाँ पे एक्ट करेगा, नीचे, तो नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर रहेगा, एम जी के बराबर, तो यहाँ पे क्या आएगा एम जी इंटू यहाँ पे क्या आएगा टू पाई आर, तो ये रहेगा आपका वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन।